भी डेवलपमेंट का काम होने वाला है, कहें कि जो जिस तरह से जो रिकंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी खुशी यहाँ के लोगों को देखने को मिली। तुम्ही कुठे गेला होतात? आम्हाला कुठे आमंत्रण नाही तर काय? आज अचानक ठेवले आमंत्रण, मी माझ्याकडे काही नसतो, मी लगेच यायचं। तुमचे आमंत्रण आहे, आमच्या रहिवासी संघटना वगैरे काय आहे की नाही आणि कळवायला नको। यहाँ जो ट्रांजिट कैम्प है, ये ट्रांजिट कैम्प के अंदर जो डिलेबेड कंडीशन में मुंबई शहर में, यानी दक्षिण मुंबई के अंदर जो डिलेबेड कंडीशन में बिल्डिंग हो जाती है, तो ऐसे लोगों को ट्रांजिट कैम्प में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसी हिसाब से इन लोगों को करीबन 30-40 साल से इसी प्रकार के ट्रांजिट कैम्प में रखा गया था। आज इस ट्रांजिट कैम्प की हालत बहुत बुरी है, तो उसका रिपेयरिंग का काम माड़ा के माध्यम से, रिपेयर बोर्ड के माध्यम से यह हम लोग ने लिया है। तो यहाँ पहले 5 बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम होगा। मैं तो रिपेयरिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जो इनके लिए किया है कानून बनाया अभी कि इनके अंदर जो ट्रांजिट कैम्प है वो 180 फीट का है अभी, और इसके अंदर लोग जिनको वैकेशनल नोटिस मिला है वो तो रहते ही है, मगर जिन्होंने वैकेशनल नोटिस दूसरे को बेचा है वो भी रहते हैं, और तीसरे लोग जो है ये लोग ऐसे हैं कि जिन्हों दलालों के माध्यम से जो खाली रूम है वो भी खरीदा है मगर उन्होंने पैसा दिया है, तो उसके ऊपर से कोर्ट ने कानून ये किया था कि जो ऐसे घुसखोर है, घुसखोर बोला जाता था उनको, तो उनको भी निकलना चाहिए। मगर हम चाहते हैं कि पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से, माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था कि देश के अंदर किसी का घर न होगा तो उसको घर देना ही चाहिए, कि उसी का माध्यम लेके मैंने जो प्रपोजल बनाया है, हमारे मुंबई के जो 8 का नगर आमदारों की एक कमेटी की थी उसके अंदर से बाद में मैंने ये सब बनाया लाए, तो उसके अंदर जिनको वैकेशनल नोटिस है उनको तो पात्र है, उनको तो घर दिया जाएगा जो जिस हिसाब से मिलेगा 300 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है वो उनको दिया जाएगा। दूसरा, जिन्होंने वैकेशनल नोटिस लिए उनसे भी वैकेशनल नोटिस वाले ने किसी से ही ख़रीदा है और उनके पास प्रूफ है कि मैंने ये ख़रीदा है, तो उनके यहाँ सशुल्क यानी उनका जो बांधकाम का खर्चा होगा मगर उसके अंदर PMAY का लगाया जाएगा कि केंद्र शासन से 1.5 लाख रुपया और राज्य शासन से 1 लाख रुपया, ऐसा 2.5 लाख रुपया उसमें आ जाएगा, और कंस्ट्रक्शन का जो भी खर्चा आएगा 5 लाख या कुछ तो उनको भर के वो दिया जाएगा, उनकी खुद माल की ये रखी जाएगी। तीसरा जो है कि जो ऐसे ही अनथराज घुस गए मगर किसी को ना किसी को, यानी माड़ा के अधिकारी को या दलाल लोगों को पैसा दिया है मगर उन्होंने गहना बेचा है, गांव की ज़मीन बेची है या कर्जा निकाला है, तो ऐसे लोगों को भी देने का मैंने प्रबंध किया है, तो उसके अंदर उनको यहाँ जैसा पहला में बोला है कि उनको सशुल्क यानी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस एक पेनल्टी मारेंगे जो 25,000 तक हो रहेंगी, और मगर जो रहता है उनकी कनेक्टिविटी 1 साल से, ऐसे लोगों भी एक दिया जाएगा, घर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये मेरी फाइल गई है, जितनी जल्दी हो सके तो इनके लिए एक खुद का घर, पंतप्रधान जी के माध्यम से या माननीय बालासाहेब जी का सपना था कि सबको अच्छा घर मिलना चाहिए, उसके माध्यम से ये हमारे नागरिकों के लिए ये सुविधा करने का एक प्रयास है। इसके अलावा रिपेयरिंग की अगर बात करें तो जो कांच टूट गई है उसका रिपेयर? हाँ, यस, दीवार जो टूट गई जिसमें जरूर 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 पानी घर में आ रहा है, बराबर है, क्रैक जिधर भी निकला है वो क्रैक भरा जाएगा, उसके अंदर जो भी काम मरम्मत करनी है वो करके वहाँ कलर निकाला जाएगा। जिनके विंडो गिराते हैं वो, उन लोग ने बांधकाम किया है ना, वो घड़ी घड़ी विंडो गिरता है। ये अभी एक बच्ची ने भी कहा, मेरे मम्मी को हाथ को लगा है तो पहला उधर लगाइए, तो जरूर मैं बोला पहला उधर लगाओ, कि एक बच्ची कहती है कि माँ को लगा है, तो वैसे सब विंडो भी रेक्टिफाई किए जाएंगे, अंदर का थोड़ा बहुत काम WC का काम हो या बाकी का काम हो वो भी किया जाएगा।